नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप वितरण योजना के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे 85% प्लस वालों के बारे में, जिन जिन स्टूडेंट्स के क्लास 12th में 85% प्लस हैं, तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे 75% प्लस वालों के लिए क्या खुशखबरी है। यहाँ पर जिन जिन स्टूडेंट्स के क्लास 12th में 75% प्लस हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, खासकर 75% वालों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 85% वालों के लिए कि 85% वालों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये कब तक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज़ सामने निकल कर आई थी उसमें कहा जा रहा था कि 21 सितंबर को क्लास 12th के जिन जिन स्टूडेंट्स के 85% प्लस हैं उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अब न्यूज़ सामने निकल कर आई है कि अभी तक इनको 25,000 रुपये नहीं दिए गए। तो अब इनको 25,000 रुपये कब तक दिए जाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, अभी तो कोई भी तय नहीं किया गया है कि कब तक इन्हें दिए जाएंगे। तो ऐसे में जिन जिन स्टूडेंट्स के 75% प्लस हैं तो उनके लिए एक तरीके की खुशखबरी है, क्योंकि अगर 85% वालों को अभी नहीं दिए गए हैं तो 75% वालों को भी मिलने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। क्योंकि MP बोर्ड ने साफ साफ कह दिया था कि हम 75% वाले स्टूडेंट्स को 25,000 रुपये नहीं दे रहे हैं अभी, और सिर्फ 85% वाले स्टूडेंट्स को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो 75% प्लस वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक 85% वालों के अकाउंट में 25,000 रुपये नहीं डाले गए हैं। तो इस वजह से आप लगातार ट्वीट करते रहिए। और यहाँ पे मेरे सामने जो खुशखबरी थी 75% स्टूडेंट वालों के लिए, वो ये थी कि जो स्टूडेंट 2019 वाले हैं और उनने और साथ में मिलकर जिन जिन स्टूडेंट्स के 75% वाले हैं उनने ज्ञापन सौंप दिया है, हमारे जो जिला कलेक्टर हैं उनके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। जिन जिन स्टूडेंट्स के 75% थे इनने 2019 वालों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है अधिकारी को। तो यहाँ पे इस प्रकार की खुशखबरी है, हो सकता है आगे 75% वाले स्टूडेंट्स को 25,000 रुपये मिल जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लगातार ट्वीट करते रहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए ट्वीट किया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मामा जी 75% वालों को भी लैपटॉप मिलना चाहिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको शिवराज सिंह चौहान जी को टैग करना है, इंदर सिंह परमार जो कि हमारे MP के शिक्षा मंत्री हैं, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन, यहाँ पे आपको चारों इन लोगों को ट्वीट कर देना है। और यहाँ पे आपको ट्वीट करते रहना है लगातार, मैं आप लोगों के लिए ट्वीट कर रहा हूँ तो आप लोग खुद के लिए ट्वीट तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही न्यूज़ मिल जाए।